नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं मुरसान ब्लॉक जनपद हाथरस में। जैसा कि आप लोग पूछते हैं कि 37-97 आलू की क्या पैदावार निकल रही है, इससे आप आंकलन बताते हैं कि आलू की पैदावार ज़्यादा निकल रही है कम निकल रही है। आज हम आपको 37-97 की पैदावार के बारे में बताएंगे और बताएंगे आप लोगों को कैसी है इस बार हॉर्न। जैसे कि आप पूछते हैं ना कि भैया 37-97 चंबल और 37-97 एक सिंह का भी बताया करो। 37-97 हथरस आगरा मथुरा में सर्वाधिक मात्रा में होता है, ये काफ़ी मजबूत फसल होती है। तो यहाँ पहले मैं आपको बता दूँ, देखिए 37-97 का पेड़ भी आपने देखा होगा, तो पेड़ भी यहाँ पर देख लीजिए, जो पेड़ होता है ये 37-97 का उच्च नस्ल होती है। जो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 2 से 2.5 फुट का ये जो है पौधा हो जाता है। अगर जब इसे देखें, देखिए अभी कुछ लोग जो पूछते हैं वो क्या हल्ला मचा रखा है कुछ लोगों ने कि भैया देखो आलू में तो वो क्या नाम है आपका अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट आ गई है। यहाँ पर कहीं पे भी अगर इस पेड़ में कहीं पे भी आप अर्ली ब्लाइट या लेट ब्लाइट का कोई दिखा दो तो इसे देख सकते हैं। अगर खेतों में अगर आपके में कमी है तो ही आप लोगों के दिक्कत हो रही होगी। आज हम इस फसल को यानी कि 37-97 को खोद के देखेंगे और यहाँ पर जितने भी किसान हैं वो सभी आप लोगों को बताएंगे और वीडियो के माध्यम से आपको पूरी स्थिति से अवगत कराएंगे आखिर पैदावार कितनी निकल रही है। भैया मौजूद हैं जो कि किसान हैं इसी गाँव के, भैया इसे जरा खोद के दिखाइए। चलिए उखाड़िए भैया और हॉल वाले देखिए एक एक करके उखाड़ना और मालूम पड़ जाएगा कितना पौधा निकल रहा है। इसे पूरा ओपन कीजिए पूरा। भैया कैमरामैन थोड़ा आ गया, ये निकालिए, इसे पूरे को साफ कीजिए, पूरे को निकालिए। जितना आलू इसमें निकालते रहिए, तो किसान साथियों साफ आपके सामने दिख रहा है 37-97 ये देखिए खोद रहे हैं, देखिए निकल रहा है। अब 37-97 में पैदावार देख लीजिए कितनी निकल रही है। अब देखिए अभी इसमें होगा, देखिए क्या गए है भाई, नीचे है भाई बाबा, क्या कर रहे हो यार, पूरा खोदो, बस हो गया सर, पूरा पेड़ उखाड़ लिया। अब इसे गिन के बताओ, इधर कैमरामैन थोड़ा नीचे आइए, अब गिन के 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 आलू है। 28 आलू हैं हाँ जी। ये कौन सा आलू है भैया आपका? 37-97। जी कौन सा गांव है ये आपका? शीतला। ब्लॉक कौन सा है? मुरसान। जिला कौन सा है? हाथरस। पैदावार कम तो नहीं है? नहीं कम नहीं है, जहाँ बढ़िया तरह से फसल हो रही है तो ये आप अभी भैया बहुत कीमती है भाई, दावे धंधे क्या कीमती है, तो मैं आप लोगों को यही तो दिखा रहा हूँ पैदावार बंपर निकल रही है। आप लोग मेरी वीडियो को देख देख के ये कहते थे कि 37-97 की पैदावार नहीं होती है, 37-97 निकल ही नहीं रहा है। इस बार बहुत बढ़िया पैदावार हो रही है भैया, इस बार बहुत बढ़िया पैदावार हो रही है। किसान साथियों आपको ये दिख रहा होगा 37-97, आप लोग पूछते हैं ना 37-97 भी दे दिए, देखिए 37-97 का ये स्थिति इस वर्ष जो है हो रही है, यानी कहीं ना कहीं पैदावार जो है बढ़ी हुई है। तो किसान से पूछ लेते हैं भैया है, भैया से पूछ लेते हैं, भैया क्या नाम है आपका? भैया क्या नाम? रंजीत ठेनुआ। जी भैया आप तो इसी शीतला गाँव के रहने वाले? नहीं मैं नहीं शीतला गाँव। तो आप इस देखने के लिए आए? हाँ। तो ये देखने के लिए आए हैं तो 37-97 अब आपके सामने है, कोई 37-97 में कोई कमी तो नहीं आई? कोई कमी ना, टॉप होगा, खूब जोन लगा, टॉप निकल रहा है यार। हाँ जी टॉप निकल रहा है, टॉप बिल्कुल कमी तो नहीं है। जब वीडियो में आप देखते हैं कि सोनू भैया दिखाता है तो आप कमेंट करने लग जाते हैं कि पैदावार नहीं निकल रही है, पैदावार ठीक है? अब इस गांव में तो ठीक है, शीतलापुर में आपके गाँव में ठीक है, तुम्हारे गाँव में ठीक है, ठीक है ना 37-97 कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं दिक्कत तो नहीं। किसान जो कहते हैं कि पैदावार नहीं निकल रही है, अब तो आपके सामने आपके गाँव में ही आ रही है? हमारे गाँव में पानी मीठा है ना, उस वजह से आलू बहुत बढ़िया है। क्या कह रहे हैं भैया, थोड़ा इधर आइए जी, क्या कह रहे भैया? अच्छा बाढ़ का खेती मतलब के गांव के सारे का? अच्छा मतलब आलू का जो साइज होता है वो मेंटेन करता है उस पर? तो आप तो आप संतुष्ट हैं, अब तो कोई कमेंटबाजी नहीं हुई 37-97 का। गांव शीतला के ही ये किसान मौजूद हैं और ये भी यहाँ पर आए हैं वीडियो देखने के लिए, क्योंकि ये हमारे रेगुलर दर्शक हैं, व्यूअर हैं और हमारे चैनल से साफ जुड़े हुए हैं। इन्हें इनके भी बच्चे कमेंट करते थे पापा ये है, तो ये भी पूछते थे सोनू भैया ये तुम जो बताते हो ये गलत पैदावार है। जब मैंने इनके गाँव में आया और इनके गाँव में देखा शीतला ब्लॉक मुरसान जनपद हाथरस में, तो अब इनसे ही पूछ लेते हैं और इनसे फेस करते हैं। चाचा क्या नाम है आपका?
मेरा नाम भीमसेन। भीमसेन, चाचा आप शीतला के गांव के ही रहने वाले हैं। पैदावार कैसी निकल रही है आपकी? बढ़िया निकल रही है पैदावार, कोई कम तो नहीं? कोई कम नहीं। तो जैसे कि जो जो ये जैसे कि ये हो रहा था कि भैया पैदावार कम निकल रही है, ऐसा तो नहीं है ना? तो 37-38 ठीक है? 37-38 ठीक है, बिल्कुल पैदावार वैसे ही निकल रही है। हाँ, जैसी हर साल निकलता है वैसी। हाइब्रिड से कम है? हाइब्रिड से कम है। ये लाएगा 70-80 का? ये अगर अगर बात की जाए आपके बीघा का, बीघा का हिसाब से तो मान के चलें जैसे कि हाइब्रिड निकलता है 80-90, तो इसे अगर औसतन माने तो 60-65 का निकल के आ सकता है। 50-60 बस आ सकता है, जैसा कि पहले आता रहा है उसी के हिसाब से इस बार से। तो मेरे साथ में एक और मौजूद है चाचा जी, आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं, तो पैदावार ठीक है? ठीक है सर, कोई दिक्कत तो नहीं है? खूब बढ़िया, खूब बढ़िया। और हाइब्रिड से कम है ना? जी जी, भैया क्या करें? बढ़िया तो जब माने बढ़िया रेट पे बिके आलू, बिक जाए तो बढ़िया माने, जब बढ़िया माने नहीं तो क्या हमारा फिकता है आलू हर साल? तो ये जो 37-57 बताइए, अब कोई दिक्कत तो वाली बात करी? नहीं दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत वो है जो अगर रेट रेट हाई बढ़िया मिल जाए हमें, किसान इधर 1000 रुपए कट्टा बिकवाओ, बिकवाना चाहिए जो ना लागत चाहिए, चाहे वो पैदावार कम निकले या ज्यादा निकले, रेट जो है अच्छे मिलने चाहिए, यही बात आपकी वो है। चलिए अगले किसान साथियों मेरे साथ में जो किसान हैं यहाँ के रहने वाले, तो इनसे पूछ लेना कि चाचा क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आलू में लाग कम से कम 25-30 हज़ार रुपये बीओपी लगती है, और ये 50 कट्टा निकल रहा है एक बीघा में, और 500 रुपये कट्टा बिके तो फिर किसान है कछु मिल तो रहा है, 500 कम से कम 1500-1200-1400 तो किसान है कछु मिल सके, तो यानी पैदावार से फर्क नहीं है, बस रेट रेट में रेट से फर्क है, मंडी का रेट अच्छा होना, मंडी का रेट अच्छा होना चाहिए, और आप लोगों को उत्पादन लागत मूल्य मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, सहमत हैं? बाकी पैदावार ज्यादा निकले या कम निकले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सरकार को इसका रेट रखना चाहिए अच्छा। अच्छा, यानी कि सरकार को समर्थन मूल्य आलू का करना चाहिए? करना चाहिए, मानते हैं आप? बीजेपी सरकार है। अच्छा अच्छा, तो किसान साथियों मैं आज इस गांव में था और मुरसान ब्लॉक जनपद हाथरस में, मैंने 37-97 की खुदाई आप लोगों को दिखाई, काफ़ी किसान जो है यहाँ वो किसान थे जो कमेंटबाजी करते थे, अरे पैदावार नहीं निकल रही, पैदावार नहीं निकल रही, आंखों से देखा इन्होंने पैदावार वही है, उसी के पेड़ के नीचे मैं खड़ा हूँ, दोबारा से देख लीजिए इसी को, अगर हम देखेंगे ना तो इसमें अभी ये देखिए ये है, और पैदावार की बात करें देखिए पैदावार अभी ऊपर ही रखी हुई है, यानी कि अगर आप ये कहते हैं कि पैदावार नहीं निकल रही 37-97 की, तो पैदावार भी आपके 37-97 जो मैंने आप लोगों को पूरा दिखाया, ये 37-97 का जो आपका मुंबई जो दक्षिण वाला मांग होती है वो है, अगर आप इसे गुल्ला देख रहे हैं तो ये आपकी बड़ी भूल है, ये है ओवर साइज, यानी कि 37-97 हो चुका है। और ऐसे ही तमाम ताज़ा तरीन आलू के जो वैरायटियाँ हैं उनके रोजाना वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में ही बेल आइकन है उसे ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। मेरे साथ में ब्लॉक मुरसान जनपद हाथरस से इतना ही, धन्यवाद किसान साथियों, आपका दिन शुभ हो।